अग्निवीर भर्ती के लिए परेशान ना हो, जल्द होगी फिजिकल टेस्ट। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं। 2 से 12 अगस्त के बीच ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा दिव्यांग खेल स्टेडियम में होनी थी, लेकिन अचानक केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसकी अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके चलते शारीरिक परीक्षा नहीं हो सकी। अब ग्वालियर में ही भारतीय सेना के अधिकारी दूसरा मैदान ढूंढ रहे हैं। जिला प्रशासन को खेलगांव का प्रस्ताव सेना द्वारा दिया गया है। इसे लेकर अगर जिला प्रशासन से अनुमति मिल जाती है तो शारीरिक परीक्षा की तारीख से लेकर शेड्यूल व अन्य तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अग्निवीर भर्ती के लिए मई माह में दिव्यांग खेल स्टेडियम में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा कराने की अनुमति केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी गई थी। इसी हिसाब से यहां तैयारियां शुरू कर दी गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियां की। 10 साल बाद ग्वालियर में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होने जा रही थी। अचानक सेना के अधिकारियों से लेकर अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा 2 दिन तक मैदान देखे गए, लेकिन शारीरिक परीक्षा के लिए जो आवश्यकता थी वह यहाँ पूरी ना हो सकी। इसके चलते शारीरिक परीक्षा निरस्त कर दी गई। अभी भी सेना के अधिकारी ग्वालियर में ही शारीरिक परीक्षा कराने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 9,500 अभ्यर्थियों में से सबसे ज्यादा संख्या ग्वालियर, भिंड और मुरैना के अभ्यर्थियों की है। अभी सेना के अधिकारियों द्वारा खेलगांव और SAF ग्राउंड देखा गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक खेलगांव में सिंथेटिक ट्रैक है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ सिंथेटिक ट्रैक है, इससे अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं रहेगी। बाकी व्यवस्था प्रशासन के साथ मिलकर सेना द्वारा कर ली जाएगी। इसके चलते खेलगांव में शारीरिक परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। यहाँ भर्ती कराने के लिए प्रशासन को ही अनुमति देनी है। जिला खेल अधिकारी के अंडर में यह मैदान है। हमारी प्राथमिकता ग्वालियर में ही शारीरिक परीक्षा कराने की है, इसलिए दूसरे मैदानों को देखा गया। इसमें खेलगांव का मैदान ही ऐसा है जहां परीक्षा हो सकती है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर दिया है। अनुमति मिल जाती है तो परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। कर्नल पंकज कुमार, डायरेक्टर सेना भर्ती कार्यालय, 100 न्यूज की रिपोर्ट।